अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने अमेठी में लोगों के बीच जाकर जूते बांटे थे और स्मृति के जूते बांटने पर भड़की प्रियंका गांधी, लोगों का अपमान इसे करार दिया। सुनिए जरा। और चुनाव आ गया है जी दीदी जी, और चुनाव के साथ बहुत बाहरी लोग भी आ गए आपके क्षेत्र में, आप यहाँ पे झूठ फैलाने और लंबी लंबी कहानियां बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप फुर्सतगंज के सामने रहते हो, आपको मालूम है कितनी बार राहुल जी आए, बहुत बार मिले हैं यहाँ के जैसे, आपको मालूम है कि कितना घूमते हैं जी बिल्कुल, आपको मालूम है कि किस के दिल में अमेठी है और किस के नहीं है जी जी। यहाँ पे सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने, ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही है, ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। हम लोग का हो रहा है, अमेठी की जनता ने कभी से कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, जो आया है उनके सामने आदर के साथ आया है, जो खड़ा है उनके सामने प्रेम के साथ खड़ा जी, 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 जी। जो उनके सामने आता है उसको पूरा एहसास है, मेरे परिवार के एक एक सदस्य को पूरा एहसास है कि आप हैं बनाने वाले जी, जी। कि जो सत्ता है वो आपने दी है, प्रेम आपने दिया है, हमें नेता बनाने वाले आप हैं जी। इस तरह का जो अपमान कर रहे हैं ना आपके साथ कि आपके क्षेत्र में आकर जूते बांटे, इनको आप सिखाइए, इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे, भीख मांगेंगे तो वो आए आपके सामने, वो मांगे भीख वोटों की। तो आप समझ लीजिए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, चाहे अमेठी में चाहे पूरे देश में, झूठ, जनता को गुमराह करने के तरीके और एकदम एक ऐसा प्रचार जो असलियत से दूर है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ मैं, इस तरफ अपनी तरफ में ईस्ट में, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ दुख पीड़ा दर्द, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ कहीं किसान मुझे रो रो के कह रहा है कि मुझे अपने खेत बचाने हैं, कि पूरी रात में बैठता हूं क्योंकि आवारा पशु खाया जा रहा है मेरा खेत, भदोही में गई वहां कालीन वाले बुनकर बताने लगे कि जीएसटी की वजह से इतनी मार है उनपे, इतनी पीड़ा में है, छोटे छोटे तमाम उद्योग बंद हो गए, दुकानदार पीड़ित, नौजवान सड़क हर चौराहे पे मिलता है, मुझे हर चौराहे पे नौजवान मिलता है, एक ऐसा नहीं मिलता जो कहता है कि इन 5 सालों में मुझे रोजगार मिला, मैं खुश हूँ। कितने रोजगार घटे हैं आपको मालूम है कि 50 लाख रोजगार घटे हैं, उन्हीं लोगों ने घटाए हैं जिन्होंने आपसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बना के देंगे आपको, तो सोच लीजिए। और यहाँ अमेठी की जनता में बहुत विवेक है, आप सब समझते हैं, आप जानते हैं कि फूटपाथ कौन लगाने जा रहा था यहाँ, आप जानते हैं कि ITI, आप सब कुछ जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ लगनी थी और क्या क्या इन्होंने बंद किया। अरे इनका क्या, ये गाड़ी में एक दिन जा रहे थे, इन्होंने इश्तिहार देख लिया, राहुल गांधी जी का चेहरा था और लिखा था केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, इश्तिहार देख के राहुल गांधी का चेहरा देख के बंद कर दिया, क्या मतलब है? या तो आप जनता से प्रेम करते हो, जनता का विकास चाहते हो तो विकास करो, आपको क्या मतलब है कौन कर रहा है, रुकवाने की क्या ज़रूरत है? फूड पार्क से 5 लाख किसानों का फायदा हो सकता था 5 सालों में, यहाँ का भी रायबरेली का भी, रुकवाया क्यों? तो सुना आपने प्रियंका गांधी को अमेठी के लोगों के बीच कह रही हैं, अमेठी का जो विकास नहीं हो रहा दरअसल उसके लिए मोदी योगी सरकार जिम्मेदार, गांधी परिवार से दुश्मनी की वजह से अमेठी का विकास नहीं होने दे रही है मोदी योगी की जोड़ी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।